एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम यूरोप महाद्वीप का जो आर्थिक स्वरूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। और आर्थिक स्वरूप में हम यूरोप महाद्वीप की विशेष रूप से कृषि और उसके जो खनिज संसाधन हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो यूरोप महाद्वीप की जो कृषि है उसके बारे में पढ़ते हैं। कृषि, देखिए यूरोप महाद्वीप में कृषि के तौर पर विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनका उत्पादन किया जाता है, जैसे गेहूं है, मक्का है, जौ है, ठीक है, उसके अलावा राई इसका और मक्के का उत्पादन भी यहाँ किया जाता है। तो सबसे पहली फसल है यहाँ की गेहूं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। गेहूं, देखिए यूरोप महाद्वीप में विश्व में जितना भी गेहूं का उत्पादन होता है उससे आधे से ज़्यादा उत्पादन केवल यूरोप महाद्वीप में किया जाता है। और इसके जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो चार प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं यूरोप के। पहला है दक्षिणी रूस, भूमध्य सागरीय प्रदेश पहला है दक्षिणी रूस, दूसरा है भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, तीसरा प्रदेश है उत्तर पश्चिम यूरोप और डेन्यूब नदी का बेसिन, तीसरा है उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पश्चिमी यूरोप और डेन्यूब नदी का बेसिन, डेन्यूब नदी का बेसिन। इन चार क्षेत्रों में विशेष रूप से यहाँ गेहूं का उत्पादन किया जाता है। पहला क्षेत्र है दक्षिण रूस, दक्षिणी रूस के जो काली मिट्टी का जो मैदान है उस काली मिट्टी के मैदान में विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा यहाँ का क्षेत्र है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की फ्रांस, स्पेन और इटली में विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तीसरा यहाँ का क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी यूरोप और उत्तर पश्चिमी यूरोप के विशेष रूप से जर्मनी का जो दक्षिणी मैदान है उस जर्मनी के दक्षिणी मैदान में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ का चौथा जो प्रदेश है गेहूं उत्पादन का वह है डेन्यूब नदी का बेसिन। तो डेन्यूब नदी का जो बेसिन है, डेन्यूब नदी का जो मैदान है उसमें गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो यूरोप महाद्वीप में ये चार प्रमुख गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें अगली यहाँ की फसल है जो, अगली फसल जो, तो जो का उत्पादन भी रूस, जो यूरोप महाद्वीप का जो रूस है तो रूस में विशेष रूप से जो का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा फ्रांस ब्रिटेन पश्चिमी जर्मनी, डेनमार्क, स्पेन, चेकोस्लाविया, पोलैंड तथा हंगरी, इन देशों में यूरोप महाद्वीप में जो का उत्पादन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त स्वीडन, आयरलैंड, बल्गारिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, हॉलैंड और रोमानिया में भी गेहूं का जौ का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये हैं जौ के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र यूरोप महाद्वीप के। इसके बाद हम देखते हैं अगली फसल है मक्का। मक्का, तो देखिए अगली फसल यहाँ की मक्का है। तो मक्के का जो उत्पादन है तो उसके बारे में हम देखें तो यूरोप में मक्के का उत्पादन का जो विस्तृत क्षेत्र है वो डेन्यूब नदी का जो बेसिन है, डेन्यूब नदी के बेसिन में विशेष रूप से मक्के का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। डेन्यूब नदी के द्वारा जो बेसिन, नदी का जो बेसिन बनाया गया है उस बेसिन में विशेष रूप से मक्के का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा दक्षिणी यूक्रेन का जो प्रदेश है, इसके अलावा पोघाटी, आइबेरियन प्रायद्वीप, इन क्षेत्रों में भी मक्के का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा डेन्यूब के बेसिन में हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया और यूगोस्लाविया में भी मक्के का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अतः इस क्षेत्र में जो मक्के के लिए जो सभी जो अनुकूल जो परिस्थितियाँ हैं वो पाई जाती है, इसीलिए जो डेन्यूब नदी का जो बेसिन है उसमें विशेष रूप से मक्के का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखें यहाँ की अगली फसल है राई। देखिए राई का जो उत्पादन है वो भी यूरोप महाद्वीप में अनेक क्षेत्रों में किया जाता है।
और राई के उत्पादन में हम देखें यूरोप का एक महत्वपूर्ण स्थान है। राई के उत्पादन में विश्व में यूरोप का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका स्थान गेहूं के बाद है। मतलब सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है यहाँ, और गेहूं के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में राई का उत्पादन किया जाता है। और संसार की जो कुल राई का उत्पादन है उसका 65% जो उत्पादन है वो अकेले यूरोप महाद्वीप में किया जाता है। मतलब समस्त राई के उत्पादन का 65% उत्पादन केवल यूरोप महाद्वीप में किया जाता है, ठीक है। और यूरोप में भी सर्वाधिक मात्रा में रूस में किया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में राई का उत्पादन रूस में किया जाता है, ठीक है। और कितना 50% है, मतलब जितना भी जो विश्व का 65% उत्पादन यूरोप महाद्वीप में किया जाता है, और उसमें भी सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है रूस में। विश्व का 50% राई का उत्पादन अकेले रूस में किया जाता है, ठीक है। हम यहाँ के जो रूस राई के जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनके बारे में देखें तो यहाँ यूरोप के रूस के अतिरिक्त पोलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे और चेकोस्लाविया, इन सभी देशों में राई का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगली फसल है यहाँ की जई। जई यहाँ की अगली फसल है। देखिए जई के यूरोप महाद्वीप में दो प्रदेश हैं, एक है उत्तर पश्चिमी यूरोप और दूसरा प्रदेश है मध्य और पूर्वी रूस, ठीक है। एक है उत्तर पश्चिमी यूरोप और दूसरा प्रदेश है मध्य और पूर्वी यूरोप, मध्य व पूर्वी रूस। तो यहाँ के दो प्रमुख क्षेत्र हैं जई के उत्पादन में, ठीक है। जई के उत्पादन में यूरोप महाद्वीप के दो प्रमुख देश हैं। पहला प्रदेश है उत्तर पश्चिमी यूरोप है, दूसरा क्षेत्र है मध्य और पूर्वी रूस। ये यहाँ के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा भी हम जई के उत्पादन में देखें यूरोप महाद्वीप के जो अन्य देश हैं, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड, इटली और रोमानिया व स्वीडन, इन देशों में भी जई का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो यह है जई का उत्पादन। उसके बाद हम यूरोप महाद्वीप में फलों के उत्पादन में देखते हैं तो देखिए यूरोप महाद्वीप में फलों के उत्पादन में जो सर्वप्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इटली, स्पेन और फ्रांस, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से फलों का उत्पादन किया जाता है। और वो भी कौन से फल? रसदार फलों का विशेष रूप से यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। रसदार फलों में संतरा, नींबू, अंगूर, इनका उत्पादन यहाँ विशेष रूप से किया जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। इसीलिए इस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। और इसके हमें अंगूर की कृषि में देखें तो अंगूर की कृषि में विशेष रूप से जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है इन क्षेत्रों में अंगूर की खेती विशेष रूप से की जाती है, और इन क्षेत्रों में अंगूर से शराब भी बनाई जाती है। हम यहाँ के जो मुख्य क्षेत्र हैं उनको देखें तो फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूनान, हंगरी, स्पेन, इटली, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, यूगोस्लाविया, ये यहाँ के विशेष फल उत्पादक देश हैं, ठीक है। तो ये है यूरोप महाद्वीप की कृषि। उसके बाद हम यूरोप महाद्वीप के जो खनिज संसाधन हैं उनके बारे में देखते हैं तो यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से जो खनिज संसाधन हैं वो पाए जाते हैं, उन खनन किया जाता है। खनिज संसाधन यूरोप महाद्वीप में पाए जाने वाले जो खनिज संसाधन, इनके बारे में हम देखें तो यहाँ पे खनिजों की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप एक विकसित राष्ट्र है, विकसित महाद्वीप है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है, जैसे लोहा बेल्जियम है, संगमरमर, निकिल, बॉक्साइड, जस्ता, मैग्नीज, टंगस्टन, इसके अलावा सीसा, जस्ता, सोना, पारा, गंधक, सल्फर, इन सभी खनिजों का उत्पादन यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत किया जाता है। तो हम जो एक एक जो खनिज हैं उनके बारे में देखते हैं कि जो ये खनिज मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले लोहे के बारे में देखते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप में जो लोहे का जो उत्पादन है वो किन क्षेत्रों में किया जाता है। पहला है लोहा।
देखिए यूरोप महाद्वीप में लोहे के उत्पादन में हम देखें तो यहाँ का सर्वप्रसिद्ध जो लोहे उत्पादन का जो क्षेत्र है वो है यहाँ का जो फ्रांस का लोरेल क्षेत्र, सर्वप्रसिद्ध क्षेत्र है फ्रांस का लोरेल क्षेत्र, रोलेर पठार है जो लोहे के उत्पादन में सब विश्व में प्रसिद्ध क्षेत्र है फ्रांस का लोरेल क्षेत्र। देखिए यूरोप में लोहा धातु के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, रूस, जर्मनी, बेल्जियम और ब्रिटेन। इन देशों में विशेष रूप से लोहे का उत्पादन किया जाता है और सर्वाधिक मात्रा में जो लोहे का उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है फ्रांस के लोरेल क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रिटेन में भी लोहे का उत्पादन किया जाता है और ब्रिटेन में हम लोहे के उत्पादन में देखें तो ब्रिटेन के यहाँ पे ब्रिटेन में लोहे के उत्पादन के चार क्षेत्र हैं, प्रमुख रूप से चार क्षेत्र हैं। पहला है उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड, दूसरा है क्लीवलैंड की पहाड़ियाँ, तीसरा है स्टेफशायर और चौथा है एडिनबरा। इन ब्रिटेन के इन चार क्षेत्रों में लोहे का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम स्पेन में भी लोहे का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। इसका स्पेन में लोहे के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है कंटेब्रियन जो प्रदेश है वो स्पेन का प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। तो ये है यूरोप महाद्वीप में लोहे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध लोहे का उत्पादन का क्षेत्र है वो कौन सा है, फ्रांस का लोरेल पठार, यहाँ पे विशेष रूप से लोहे का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो खनिज है वो है संगमरमर। तो देखिए संगमरमर के उत्पादन में हम देखें तो यहाँ पे जो संगमरमर का जो उत्पादन है वो यूरोप महाद्वीप के विभिन्न देश हैं जिसमें इटली, फ्रांस, रूस और चेकोस्लाविया, इन चार देशों में विशेष रूप से संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से देश हैं, इटली, फ्रांस, रूस और चेकोस्लाविया, इन चार देशों में विशेष रूप से संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो खनिज है वो है निकिल। तो निकिल के उत्पादन में भी हम देखें तो यूरोप महाद्वीप के जो मुख्य क्षेत्र हैं जिसमें प्रमुख है अल्बानिया, फिनलैंड, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी, ये चार प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, अल्बानिया, फिनलैंड, पोलैंड और पूर्वी जर्मनी, इन चार क्षेत्रों में विशेष रूप से निकिल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो खनिज है वो है बॉक्साइट। देखिए यूरोप महाद्वीप में हम बॉक्साइट के उत्पादन के बारे में देखें तो बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो यूरोप महाद्वीप में विश्व के लगभग एक चौथाई बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है, मतलब पूरे विश्व में जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है उसका लगभग एक चौथाई बॉक्साइट का उत्पादन यूरोप महाद्वीप में किया जाता है। और यूरोप महाद्वीप में भी सर्वाधिक जो बॉक्साइट का उत्पादन है वो रूस में किया जाता है। रूस है जो विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान किसका है, जमैका का। बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान है जमैका का और दूसरा स्थान है रूस का। और बॉक्साइट का उत्पादन है जो रूस में विश्व का एक चौथाई बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। हम रूस के अलावा भी देखें तो यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं फ्रांस, यूनान, हंगरी, यूगोस्लाविया, इन क्षेत्रों में भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है और सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन यूरोप महाद्वीप के रूस में किया जाता है। रूस का बॉक्साइट के उत्पादन में दूसरा स्थान है और यहाँ के रूस के अलावा यहाँ पे फ्रांस, यूनान, हंगरी और यूगोस्लाविया में भी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो खनिज है यहाँ का जस्ता। तो हम जस्ते के उत्पादन के बारे में देखें तो जस्ता का जो उत्पादन है, जस्ता एक श्वेत और कोमल धातु होती है। जस्ता एक सफ़ेद रंग की एक कोमल धातु होती है जिसका प्रयोग शुष्क बैटरी के भारी खोल बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, जो शुष्क बैटरियाँ होती है, शुष्क बैटरियों का जो भारी खोल बनाने में जस्ते का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रंग रोगन में भी जस्ते का उपयोग किया जाता है। यह एक श्वेत और कोमल धातु होती है।
और हम इसके उपयोग, इसके जो उत्पादन के बारे में देखें तो इसका जो उत्पादन है वो यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन और बल्गारिया में इसका उत्पादन किया जाता है। तो यूरोप महाद्वीप में इसके तीन क्षेत्र हैं, पश्चिमी जर्मनी, स्वीडन और बल्गारिया, ये तीन क्षेत्र हैं जस्ते के उत्पादन के। उसके बाद हम अगला जो खनिज है यहाँ का वह टंगस्टन। तो हम टंगस्टन के उत्पादन के बारे में देखें तो टंगस्टन का जो उत्पादन है, हम टंगस्टन के पहले महत्व के बारे में देखें तो लोहे के इस्पात, लोहे से इस्पात बनाते समय इसे लोहे के साथ मिलाया जाता है। जब हम लोहे के द्वारा लोहा इस्पात बनाया जाता है तो लोहे से लोहा इस्पात बनाते समय टंगस्टन को इसमें मिलाया जाता है। और इस इस्पात का प्रयोग रेजर ब्लेड, रेती, आरी व कवच, बंदूक बनाने में किया जाता है। और रूस का विश्व में इस खनिज के उत्पादन में दूसरा स्थान है, मतलब जो टंगस्टन के उत्पादन में रूस का दूसरा स्थान है। टंगस्टन के उत्पादन में रूस का विश्व में दूसरा स्थान है। और रूस के अलावा पुर्तगाल, स्पेन और ऑस्ट्रिया, इन तीन देशों में भी टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है यूरोप महाद्वीप के। एक तो रूस में, जिसमें रूस में टंगस्टन के उत्पादन में विश्व में इसका दूसरा स्थान है। और रूस के अलावा जो अन्य तीन देश हैं कौन कौन से हैं, पुर्तगाल, स्पेन और ऑस्ट्रिया, इन तीन देशों में भी टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला जो खनिज है वो है सीसा। अगला है सीसा। तो शीशे के उत्पादन के बारे में भी हम देखते हैं तो यूरोप महाद्वीप में जो शीशे का जो उत्पादन है वो विशेष रूप से स्पेन, रूस, यूगोस्लाविया, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, बल्गारिया, पोलैंड, स्वीडन और फ्रांस में, इन देशों में शीशे का उत्पादन किया जाता है। और यह एक भारी धातु होती है, यह एक भारी और कोमल धातु होती है। यह बिजली की एक कुचालक होती है और इसका प्रयोग बैटरी, केबल और बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सोने के उत्पादन में अगला खनिज है सोना। तो देखिए यूरोप महाद्वीप के सोने के उत्पादन में देखें तो सोने का जो उत्पादन है यूरोप महाद्वीप के विशेष रूप से यूराल और जो काकेशस पर्वत है, उस काकेशस पर्वतों में सोने के जो भंडार हैं वो मिले हैं। कौन कौन से पर्वत हैं? यूराल और काकेशस पर्वतों में सोने के भंडार मिले हैं। और हम देशों में देखें तो यहाँ विशेष रूप से स्पेन, फ्रांस और यूगोस्लाविया, इन तीन देशों में जो सोने के जो उत्पादन है वो किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख सोने के उत्पादक क्षेत्र हैं? स्पेन, फ्रांस, यूगोस्लाविया और स्वीडन, इन चार देशों में सोने का उत्पादन किया जाता है। तो ये है हमारे यूरोप महाद्वीप के प्रमुख खनिज। तो आज के वीडियो में हमने यूरोप महाद्वीप की जो प्रमुख फसल है कृषि और जो खनिज संसाधन है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में यूरोप महाद्वीप से संबंधित जो अन्य चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।